क्लास टेंथ। आज हम इस लेसन के लेसन फाइव के वर्ड मीनिंग कर लेते हैं। दी हंड्रेड ड्रेसेस पार्ट वन है, इसके टू पार्ट है, फाइव और सिक्स दोनों दी हंड्रेड ड्रेसेस का ही दोनों का हेडिंग है इस लेसन में भी और लेसन सिक्स में भी। ठीक है, अलबसर ईस्टर का लिखा हुआ है तो हम सबसे पहले इसके वर्ड मीनिंग ही देख लेते हैं। ठीक है, ऊपर तो इसमें बिफोर यू रीड दे रखा है, उसके बारे में बताया है किसके बारे में, एक लड़की के बारे में जो कि एक पोलैंड की लड़की है और अमेरिका में रहती है, उसके बारे में लेसन है। तो देखो इसमें पहला है स्कफलिंग ऑफ फीट, वर्ड मीनिंग है ये, इसका मीनिंग है नोइजी यानी कि शोर करने वाला, ड्रैगिंग मूवमेंट्स ऑफ द फीट ऑन द ग्राउंड इनके कदमों को घसीटने की आवाज़, एक तरह से चलने की आवाज़ आती है फर्श के ऊपर। ठीक है, आगे देखो इस पूरे पार्ट में एक वर्ड मीनिंग है, कोई बात नहीं। आगे देखो इसमें डिडंट हैंग राइट, डिडंट हैंग राइट का मतलब डिडंट फिट प्रॉपरली, इनकी सही रूप से जचना, इनके शरीर में जचना नहीं, जो कोई कपड़ा हमारे पर जचे नहीं, थोड़ा ढीला ढाला रहे या फिर थोड़ा टाइट सा रहे, इस तरीके से होता है डिडंट हैंग राइट का मतलब। होप्स कोच होता है, ए गेम इन विच चिल्ड्रन होप इन टू एंड ओवर स्क्वेयर्स मार्क्ड ऑन द ग्राउंड, होप्स कोच एक गेम का नाम है जिसमें बच्चे क्या करते हैं, उछल करके एक टांग पर उछल करके दूसरे उसमें जाते हैं, चौकोर से खाने बना लेते हैं और एक में उछलते हैं, उससे अगले को क्रॉस करते हैं, ग्राउंड के ऊपर मार्क्स बना लेते हैं और फिर उन खानों के अंदर से बच्चे उछलते रहते हैं, ये होप्स कोच एक गेम है। ठीक है, नज होता है ए जेंटल पुश, इनकी चुटकी लेना, नज का मतलब होता है चुटकी लेना आराम से। ठीक है, इनकी गुस्से में नहीं प्यार से किसी का मजाक बनाना। ठीक है, इनक्रेडुलसली होता है शोविंग अनविलिंगनेस टू बिलीव, इनकी दिखावा करना कि उसकी इच्छा नहीं है विश्वास करने की। ठीक है, स्टोलिडली होता है नोट शोविंग एनी फीलिंग, इसका मतलब है कि अपनी कोई भी भावना दिखाना नहीं, हमें खुशी हो रही है, गम हो रहा है, क्या हो रहा है, अपने मतलब भावनाओं को एकदम से छुपा कर रखना। ठीक है, बुलीज होता है दोज हु यूज देयर स्ट्रेंथ और पावर टू फ्राइटन वीकर पीपल, बुलीज का मतलब होता है कि वो लोग, ऐसे लोग जो क्या करते हैं अपनी ताकत का प्रयोग कैसे करते हैं, दूसरे लोगों को डराने में, अपने से कमज़ोर लोगों को डराने में अपनी ताकत का यूज करते हैं। हैंड मी डाउन क्लोथ्स होता है ओल्ड क्लोथ्स, इनके पुराने कपड़े होते हैं, हैंडी डाउन बाई समवन एल्स, किसी के द्वारा किसी दूसरे को देने, इनकी वो यूज कर लेते हैं उन कपड़ों को पहले, और जब वो उससे उनका मन भर जाता है तो वो किसी दूसरे को दे देता है, तो हैंड मी डाउन क्लोथ्स होते हैं। मॉकिंग होता है हियर फॉल्स मेंट टू मेक फन ऑफ, इनकी स्मोकिंग का यह मतलब क्या है, एक तरीके से तो इसका मतलब ये भी है कि झूठा भी होता है मॉकिंग का मतलब, या फिर मतलब है मजाक बनाना। ठीक है, एम्ब्रास्ड होता है असेम्ड, इनकी शर्म, ठीक है, शर्मिंदा होना है इनकी। ठीक है, टारगेट होता है हियर ए पर्सन डेलिब्रेटली चूजन फॉर अटैक, इनकी लक्ष्य होता है, टारगेट का मतलब होता है लक्ष्य, एक किसी आदमी को चूज किया जाता है जिसके ऊपर आक्रमण करना होता है। ठीक है, वो टारगेट निशाना है इनकी। ठीक है, प्रीटेंडेड होता है नॉट रियल, इनकी प्रीटेंडेड का मतलब एक तरीके से बहाना बनाना होता है, ढोंग करना, वास्तव में असली नहीं होता है वो। ठीक है, ड्रिजलिंग होता है ए वेरी लाइट रेन वाज फॉलिंग, थोड़ी सी बूंदाबांदी सी गिरना, ठीक है, उसको कहते हैं ड्रिजलिंग। लेविस होता है वेरी ग्रैंड, लेविस का मतलब है वेरी ग्रैंड, ये इसका मतलब होता है बहुत शानदार। ठीक है, नेक्स्ट एक्यूसाइट का मीनिंग होता है एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल एंड वेल मेड, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल ये इनकी बहुत ज्यादा सुंदर और अच्छी तरह से बनाया गया। ओके, ब्रस्ट इनटू अप्लाज होता है सडनली एंड स्पॉन्टेनियसली क्लैप्ड हैंड्स, ये कहता है कि अचानक ही क्या करना, ताली बजा देना। ठीक है, अचानक ही अपने हाथों को इकट्ठा करना और ताली बजा देना, ब्रस्ट इनटू अप्लाज। नेक्स्ट बस इतना ही था क्या?
इतने ही हैं अभी इसमें, ठीक है, ओके।